Hello everyone, welcome to Flag Roof of Education. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon for our latest updates. Friends, जैसे कि आप जानते हैं कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद स्टूडेंट्स के द्वारा अपनी आंसर कॉपी को व्यू करने के लिए भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, वो यदि अपनी आंसर कॉपी को देखना चाहते हैं या रिटोटिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पर किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, तो मैं अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं। इसके बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है cuc.mponline.gov.in और एंटर प्रेस कर देना है। आप देखेंगे कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ चुकी है। इसके बाद आपको यहां से स्क्रॉल कर नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आपको एनरोलमेंट, एग्जामिनेशन और काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और जैसे ही आप काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सेकेंड ऑप्शन मिल जाता है व्यू आंसर बुक। व्यू आंसर बुक के इस ऑप्शन के अंतर्गत आपको यहाँ पर तीन सब मेन्यू मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर व्यू आंसर बुक, यानी इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने आंसर कॉपी को व्यू करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है पे अनपेड व्यू रिसीव्ड ऑफ व्यू आंसर बुक, यानी आपके द्वारा अप्लाई किए गए एप्लीकेशन की फीस यदि आपने पे नहीं की है तो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाता है व्यू आंसर बुक नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले आप व्यू आंसर बुक के इस नोटिफिकेशन को अवश्य रीड कर लें ताकि आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस नोटिफिकेशन के सामने ये जो डाउन एरो बना हुआ है डाउनलोड का, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। आपको इस नोटिफिकेशन को कंप्लीट रीड कर लेना है। मैं आपको इसकी कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये बताया गया है कि आपको जो है 15 दिनों के भीतर ही इसके लिए अप्लाई करना होगा, यानी आपके रिजल्ट जिस डेट को डिक्लेयर होता है उस डेट से 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपने रिवैल्यूएशन यानी रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना होता है। और इसके लिए जो फीस होती है वो पोर्टल चार्ज होता है 300 रुपीज़ का, और 300 रुपीज़ आपको पर सब्जेक्ट या पर पेपर आपको पे करने होते हैं और इसके अलावा आपको 30 रुपीज़ जो है पोर्टल चार्ज पे करना होता है। तो ये इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स है। आप इस नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली रीड कर लें। इसके बाद वापस आपको अपने इसी पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर व्यू आंसर बुक का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके सामने वाले अप्लाई बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर आपको कुछ नोटिफिकेशन आएगा। आपको उसमें लिखा है कि 300 रुपए पर पेपर के हिसाब से पे करना होगा और 30 रुपए जो है आपका पोर्टल चार्ज होगा। इसे आपने ओके कर देना है। ओके, सो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। आपको अप्लाई करने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है वो रीड कर लेनी है। जैसे आपके यहाँ पर सब्जेक्ट्स की डिटेल्स लिखी हुई है और सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पर सेमेस्टर और सेशन लिखा हुआ है। जहाँ पर आपकी स्टार्ट डेट लिखी हुई है कि आपके एप्लीकेशन की डेट 29 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुई है, यानी आज ही के दिन से स्टार्ट हुई है, और लास्ट डेट विदाउट फीस, यानी आप 10 मई 2020 तक विदाउट लेट फी इसे अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट विथ लेट फीस यानी 14 मई 2020 तक आप लेट फीस के साथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स है, आपको इसे रीड कर लेनी है। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है रोल नंबर का, सेकंड ऑप्शन है एनरोलमेंट नंबर का। तो आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और इससे अपने फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो मैं रोल नंबर को चूज कर लेता हूं। इसके बाद आपको यहाँ पर इंटर रोल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिलेक्ट सेमेस्टर, यहाँ पे आपको अपना सेमेस्टर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट सेशन, तो आपको यहाँ पर अपना सेशन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एक कैप्चा एंटर कर देना है और सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर आ चुका है। आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर आपकी डिटेल्स यहां पर शो हो रही होंगी। मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स को यहां पर ब्लर कर दिया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स शो हो रही होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो यहां पर आपको नीचे अल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप चाहें तो अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहां पर एंटर कर सकते हैं और इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको स्क्रॉल कर नीचे आ जाना है। तो यहां पर आपको सब्जेक्ट की डिटेल्स मिल जाएंगी। आप जिस सब्जेक्ट्स के लिए रिटोटलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप अपने जिस पेपर की आंसर कॉपी को व्यू करना चाहते हैं तो आपको उस पेपर के सामने वाले चेकबॉक्स पर टिक करना है
और आप जितने सब्जेक्ट्स के लिए टिक करना चाहते हैं आप उतने सब्जेक्ट के सामने वाले चेकबॉक्स पर टिक कर सकते हैं। आपको पर पेपर 300 रुपीज पे करना होगा और 30 रुपीज पोर्टल चार्ज अलग से पे करना है। तो मैं अपने एक सब्जेक्ट को चूज कर लेता हूँ जिसके लिए मुझे इसके आंसर कॉपी को व्यू करने के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद आपको उस सब्जेक्ट में ऑप्टेंट मार्क्स को इसके सामने वाली फील्ड में एंटर करना होगा। तो मैं अपने ऑप्टेंट मार्क्स को एंटर कर देता हूँ और नेक्स्ट कॉलम में आपको अपने यहाँ पर रिजल्ट सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे रिजल्ट पास था या फेल। इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको डिक्लेरेशन के सामने वाले चेकबॉक्स पर टिक कर देना है और यहाँ पर आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। फाइनली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फिल हो चुका है और इसकी रिसिप्ट आपके स्क्रीन पर शो होने लगी है। फ्रेंड्स, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको पेमेंट करने से पहले अपने इस एप्लीकेशन का प्रिंटआउट ले लेना है या फिर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स को ब्लर कर दिया है, आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको आपके मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। इसके बाद आपको स्क्रॉल कर नीचे आ जाना है और जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया होगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगी, तो वो आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे लास्ट में प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस बटन पर क्लिक करना है। सो पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें पहला ऑप्शन है नेट बैंकिंग का, सेकंड है डेबिट क्रेडिट कार्ड का, IMPS का है, UPI का है और वॉलेट का है। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी एप्लीकेशन की पेमेंट करना चाहते हैं आप किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पर चूज कर सकते हैं और अपनी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन की रिसिप्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगी, आपने उस रिसीप्ट को सेव कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम अपने आंसर कॉपी को व्यू करने के लिए या रिटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। सो गाइस, आई होप कि आपको हमारे ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।